ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆಯ ವಸತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ರಂತಹ ಸೇನಾ ನಾಯಕನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಿಯುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೊಂದದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. We are releasing this calendar, and in this new year day, let us have all the nation, all defense personnel, all Indians, we should salute him, and we should be proud to have such a person in our nation, for the sake of the nation, for the security of the nation. And we feel very proud that in this government he did a lot of job. Even now there is many things which he had plans, but we don't know what is his plans to the nation, to the security of our nation. Okay, in this way, I am very thankful to you people. So, we should remember him, sir. That's the only thing I can tell. Last time. I am Keshav Gurappa. Bipin Rawat is an inspiration to all Indians, and Akhila Karnataka Mohammadiyara Vedike is bringing calendar in his memory. He is a rock star, superstar, and role model for everyone. So, I appreciate the work of this forum. And at the same time, we should also try to adopt the values he has followed in our lives. Thank you. Akhila Karnataka Mohammadiyara Kannada Vedike 2022 में जो कैलेंडर लॉन्च किए, ये जो एक्सीडेंट में इंतकाल हो गए, जनरल बिपिन रावत साहब के इसमें कैलेंडर लाना और को मैं डिसाइड करें मोहम्मदिया के पूरे ऑफिस बेरस. हम उस कैलेंडर को हायर एजुकेशन मिनिस्टर और मलेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे MLA इस सेक्युलर सेटअप के अकदमी उनके हाथ से हमें ये लॉन्च किए. ये जो है देशभक्ति, और ये किसका ये नहीं है, हकदारी नहीं है, हम भी उसके हकदार हैं. ये बहुत कमना, बहुत खुशी हो रही है. बहुत हमारे साथियाँ बोल रहे थे कोई देशभक्त जो बोलते हैं वो आर्नेशन भी ये जो है लॉन्च नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मद रफी के पूरे हमारे कॉमन माइंडेड फ्रेंड्स पूरा कोऑपरेशन करके अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर सत्यनारायण साहब के हाथ से इन बिहाफ ऑफ पूरा मलेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के आम के सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये लॉन्च करें. क्यों आखिर क्यों कैलेंडर? दैट इज़ हमें इंडियन नहीं, हमें हमारा एक बैकग्राउंड है और देश में मैं निवासी हूँ. हमारे के बारे में रिस्पेक्ट है. वो हमारा किसका भी पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, नो पावर ऑफ अटॉर्नी, वो हमारा हक है. हमें इस देश के हकदार आए, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट है. एक्सीडेंट में जो हुआ वो हादसा बहुत गम का, जैसे कि वार में जाको जो उन्होंने जाते तो हमने अफसोसी नहीं रहती थी. उनके बारे में रिस्पेक्ट रहते कि जो हुआ अफसोसी वो बहुत एहदाजगी का यह है. उसके वजह में हम मोहम्मद रवेद के एक मिलिट्री हमारे जो रावतर साहब हैं उनका हमें कैलेंडर अश्वत्थनारायण साहब के हाथ से ही लॉन्च. जितने भी लोग जमे हैं उन सबको मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ जोर से. और आज ये मोहम्मद या कन्नड़ा वेदिके के जिम्मेदारान आज जो कैलेंडर रिलीज़ किए हैं मरहूम रावत साहब की, उनकी याद में, ये बहुत अच्छा काम है और ये अच्छा मैसेज जाता है सबको, क्योंकि ये मुसलमान के ऑर्गेनाइजेशन भी इस देश के ये जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हैं बोल के. मैं ये पूरे मोहम्मद आवेदी के वालों को, उनकी कमेटी को
और ज़िम्मेदारों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस मौके पर बहुत अच्छा काम किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नया साल है, 2022 में हम जो एक हादसे में चल बसे, जो हमारे ये मिलिट्री के जनरल बिपिन रावत साहब का एक बहुत दुखनाक एक है कि वो उसके इसमें उनके याददाश्त में हम एक कैलेंडर रिलीज़ किए। ये हमारा अकेला कर्नाटक महामंदिर वेदिके के सदर कर्णा समिल्ला साहब एक हफ्ते में ये सभी ये करके हम इसको रिलीज़ करें। ये कैलेंडर इफ्तिताही आके हमारे एजुकेशन हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सी एन अश्वथ नारायण के हाथ से हम इसे इफ्तिताही किए। अब ये और बात है कि हम मुसलमान हिंदू ये नहीं, हम सब भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। इस हिसाब से हमको हम रावत साहब का हमारे को भी जिस दूसरे लोग को जितना गम हुआ है उतना गम हमको भी हुआ है, और अल्लाह ताला उनके रूह को ठंडक पहुँचाए।